यहाँ पे सिंगल फेज का स्टार्टर और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका कनेक्शन हम करने वाले फ्लोट स्विच के साथ। इसकी कल प्रॉपरली वीडियो आने वाली है। और यहाँ पे फ्लोट और यहाँ पे है वायर, तो इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे। टैंक में फ्लोट स्विच का कनेक्शन करने के बाद आपको करंट नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलो जल्दी से इसको ओपन करते और यहाँ पर आपको दिखाते कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। इसकी जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ा नीचे लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऊपर पंप ऑन, उसके बाद यहाँ पे हाई लो है और यहाँ पे अपर टैंक। तो यहाँ पे हम ऊपर के टैंकी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है लोअर टैंक, तो यहाँ पर अपने पास दो टैंकी रहेगा, एक नीचे और एक ऊपर। तो इसके लिए ये स्टार्टर का कनेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो हम इसे दोनों भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे पंप ऑन और यहाँ पे पंप ऑफ। और यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा है डिजिटल मीटर, तो वहाँ पे अपनी क्या होगी वोल्टेज यहाँ पे शो करेगी। तो कल इसकी प्रॉपरली यहाँ पे वीडियो आने वाली है, पूरी बताऊँगा वीडियो। और यहाँ पर आपको वोल्टेज शो करेगा, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए अंदर पूरा का पूरा ये ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे सर्किट वगैरह लगा है, रिले लगी है, कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है। और यहाँ पे जो सीटी लगी होती है करंट ट्रांसफार्मर, वो भी इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे, जो हमारा सेंसर होगा फ्लोट यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे अपर टैंक का भी कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सब दिया है, वैसे उसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे सर्किट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्लोटिंग स्विच का कनेक्शन करने के बाद हमको करंट नहीं लगना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमने कनेक्शन कर दिया और उसके बाद करंट पानी में उतर गया तो हमें करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पे सेफ्टी सबसे बढ़िया है, तो इसलिए ये स्टार्टर हमने यहाँ पे मंगवाया है। और कल इसका हम प्रॉपरली कनेक्शन करेंगे टंकी के साथ। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे इसका कनेक्शन भी किस तरह से करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी लेके आएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद देखते हैं फ्लोटिंग स्विच, तो इसको यहाँ पे ओपन कर दें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फ्लोट स्विच होता है, आपको मालूम भी रहेगा, जिसको मालूम नहीं उसको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इस यहाँ पे जो होल है, तो इसमें से हम यहाँ पे केबल अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इसको क्लियर करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये होल है, ये होल के अंदर से हम इस केबल को डालेंगे, जो नीचे जो फ्लोट लगा है, जो फ्लोट रखा है ये वाला। तो इस वायर को हम यहाँ पर जो होल है इसके अंदर डालेंगे। तो कल इसकी प्रॉपरली वीडियो आएगी दोस्तों, तो देख भी लेना। अगर ये स्टार्टर आपको लेने का रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया, उसका नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लोट स्विच है, इस तरह से दिखता है। तो बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम भी रहेगा, जिसको मालूम नहीं उसको बता रहे, तो खाली पीले लोग कुछ भी कमेंट कर देते। तो यहाँ पर देखिए इसके तीन वायर होती है, उसमें एक कॉमन होता है। तो कल इसे हम यहाँ पे मल्टीमीटर से भी चेक करके आपको बताएंगे कौन सा वायर इसमें से कॉमन है और कौन सा वायर आपको जोड़ना है स्टार्टर के साथ। तो यहाँ पे है वायर, इसका कनेक्शन हम करेंगे फ्लोट स्विच के साथ और उसे टंकी के ऊपर से हम लेके आएंगे, जहाँ पे हम स्टार्टर लगाएंगे यहाँ पे उसको लेके आएंगे। और इसका कनेक्शन किस तरह से होता है उसमें आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये कनेक्शन आप अपने घर में भी कर सकते हैं, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए कनेक्शन करना। तो आप लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो वीडियो को सभी लोग देख रहे हैं और रिस्पांस भी अच्छा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये मटेरियल यहाँ से परचेस किया है। तो ये कितने में आया है तो आपको जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ये स्टार्टर वगैरह कितने में परचेस किया, फ्लोट कितने में लिया है, वायर वगैरह कितने में लिया है, तो ये सब की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको चाहिए तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बोलना शेयर करने के लिए। शेयर करने से हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और लोग ज़्यादा देखेंगे तो हमको काम करने में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।